बाग स्टेशन पे इस टाइम हो रही थी। ग्रीन लाइन ट्रेन मैं पहली दफा सफर कर रहा हूँ उसके अंदर, एंड वी आर गोइंग टू रावलपिंडी फ्रॉम हैदराबाद। देखते हैं कि क्या सर्विसेज हैं यहाँ पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। मेरे ख्याल में 47 मिनट लेट है वो ट्रेन। ग्रीन लाइन ट्रेन आ रही है तो उसमें हम अंदर चलेंगे, देखेंगे इकॉनमी क्लास की हम थोड़ी सी उधर उसकी थोड़ा रिव्यू करेंगे और उसके बिजनेस क्लास का भी रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो आ जाए फिर। जब मिलेगा तो जरूर बताएंगे आपको, लेकिन अभी सब लोग लाइन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे बातें जा रही हैं कैमरे में इधर, और ये फिर इधर हमारे साथ आर्यन है। ट्रेन फुल है खचाखच और कुछ भी नहीं है, बस जिंदगी में मजे ही मजे। मुबारक हो, हमारा नाश्ता आ गया। देखिए नाश्ते में क्या क्या है। ये दो स्लाइस ब्रेड के, अंडा, जैम, ये कुछ नहीं है। और ये चाय जी, रुकें एक मिनट रुकें, इसके बारे में कुछ ख़ास बात बताता हूँ। ये चाय टिकट के साथ है, इसे जानबूझ के इतना बुरा बनाया जाता है कि आप 50 रुपये की चाय ख़रीदने पर मजबूर हो जाए, और वो चाय भी ग्रीन लाइन ट्रेन का स्टाफ ही बेचता है। ग्रीन लाइन पहली दफा सफर किया, अभी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्या हुआ इसके अंदर। कोई आपसे कहे कि ग्रीन लाइन बेस्ट ट्रेन है तो आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल भी बेस्ट ट्रेन नहीं है। बिजनेस क्लास की एक सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कि एक ही है, वो है सिर्फ उसमें एसी चलता है, उसके अलावा कोई अच्छी चीज़ नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, पहुँच गए हम लाहौर। 4:30 हो रहे हैं शाम के, 2 घंटे ट्रेन लेट है, हैदराबाद से लेट थी। ये लाहौर जंक्शन, लाहौर स्टेशन है, सबसे खूबसूरत स्टेशन सो फार जो हम हैदराबाद और कराची से चले, सबसे खूबसूरत स्टेशन यही है। बेहतरीन बना हुआ है, फुल कवर्ड है, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, और क्या चाहिए। ट्रेन अब चलने वाली है और ये हम कहाँ जाएंगे, अब पिंडी इस्लामाबाद जा रहे हैं। ठीक है, आ जाए हमारे साथ। चिकन का सालन, ये है दाल, ये है चावल, थोड़ा सा हलवा भी है यहाँ पे, तंदूरी नान है, ज़बरदस्त लंच। आधे घंटे से दरवाजा खुल रहा है। आसिफ भाई कैसे हैं आप, कैसे जा रहा है आपका ट्रिप? ये देख रहे हैं आप बिजनेस कार्ड, एक बर्थ, दो बर्थ, एक नीचे और एसी लगा हुआ है, इधर टीवी है जो कि चलता नहीं है, और
पंखा चल जाता है। ये दिए ना ब्लैंकेट जो कि बिजनेस क्लास में बहुत गंदे हैं। 7,100 रुपये इस जगह के पे किए हैं पर पर्सन, और वो 7,100 रुपये जो बनते हैं वो तकरीबन 35 यूरो और तकरीबन $40 बनते हैं। उसमें जो सर्विस यहाँ पे मिली है बिल्कुल बेकार। रात को 3 बजे मुझे सोना था, मैंने बर्थ खोलनी और बर्थ नहीं खुल रही। 150 का स्टाफ होगा इस ट्रेन के अंदर, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिशियन, बावर्ची और बहुत सारे स्टाफ हैं यहाँ पे, लेकिन पूरी रात सब सो रहे थे। मैंने एक एक डोर बजाए कि आ जाओ ज़रा हेल्प कर दो, मेरी कोई हेल्प करने के लिए था। बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदे, बहुत ज़्यादा, रात को पानी भी नहीं था इन बाथरूम्स के अंदर। 7,100 रुपीज़ पे किए, 7,100 रुपीज़। आपको अपने पैसों की वैल्यू को पता होना चाहिए, यहाँ पे सर्विस ज़ीरो। ग्रीन लाइन ट्रेन में हम चकलाला पहुँच गए हैं। हाँ जी, चकलाला आ गया। चकलाला देख लें कैसा है क्या। चकलाला के बाद फिर रावलपिंडी आता है, तकरीबन 15-20 मिनट बाद हम पहुँच जाएंगे तकरीबन 9:30-10 तक। यानी कि तकरीबन 21 घंटे की जर्नी थी और हालत बिल्कुल अजीब सी हो गई है, सो भी नहीं पा रहे। पहुँच गए रावलपिंडी। ग्रीन लाइन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसे ही था। आप लोग जब भी आए तो ये सोच के ना आइएगा कि आप किसी आलीशान ट्रेन में बैठने जा रहे हैं। सब बातों की एक बात ये है कि ट्रेन के सफ़र का मज़ा एक डिफरेंट है। पाकिस्तान में इंजॉय करता बंदा स्टेशन पर रुकती है, लेकिन इस सफ़र में ये बात थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सके। चलें आगे देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, कैसा रहा सफ़र भाई? बहुत थका हुआ। चलो भाई ठीक है, पहुँच जाइए भाई पिंडी स्टेशन। 21 घंटे में पहुँचे। 21 घंटे लग गया भाई, 21-20 घंटे लगा। हमारे तो शक्लें भी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये हमारी हालत बहुत बुरी। अच्छी बात है कि हमारी शक्लें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारी ऐसी हालत नहीं है शक्लें दिखाने वाली। ठीक है, पिंडी पहुँच गए, आज रात को सोएंगे और फिर हम कल आपसे मिलते हैं कहीं और। एक गाड़ी में सामान रखा जा रहा है, बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रही होगी गाड़ी, लेकिन कोई बात नहीं। ये साजिद लेने आए। साजिद क्या हाल है? ये पिंडी वाले। हेल्प चाहिए?